अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो ये आज हम अपने घर में जो लेमन लगा हुआ है उसके लेमन उतारते हैं, और हमें इसी वक्त का इंतज़ार था कि वो तमाम के तमाम पक जाए, और इससे हम मेधा के लिए दवाई बनाने वाले हैं। तो अब हम आप बताएँगे कि कितने इसके फ़ायदे हैं। मेदे को ये साफ करता है, इसमें हर किस्म की मेदे की बीमारी दूर करता है, इसमें वाफर मकदार में विटामिन सी और विटामिन बी पाया जाता है, और ये सलादों में भी इस्तेमाल किया जाता है, और बेशुमार बीमारियों का इलाज है ये। तो इसलिए हम मेदे की दवाई तैयार कर रहे हैं। तो आइए इनको तोड़ते हैं। तमाम के तमाम पक चुके हैं ये। बहुत पक गया, रस भर गया इसमें। तो ये देखे, पौधा बिल्कुल खाली हो चुका है। ये सारे के सारे हमने उतार लिए, बस चंद रह गया जो कच्चे है। तो ये बजाते खुद तजाब है, लेकिन मेदे की तजाबियत को भी ख़त्म करता है। तो देखे ये माशाल्लाह मेरी टोकरियाँ किस तरह भर गई हैं। तो मैं अब इनसे मेदे के लिए दवाई बनाऊंगी। इसको मरब्बा भी बोलते हैं और मेदे की दवाई भी बोलते हैं। आगे हम आपको साथ साथ बनाएंगे और बताते भी जाएंगे। बस ये देखिए, ये किलो नींबू हमने ले लिए है। तो हम दवाई तैयार करने वाले हैं। सबसे पहले हम इनको छीलेंगे। तो छीलेंगे तो इनको तक बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आइए हम आपको छील के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी आराम से छीला कि इनको तक वगैरह ना लगे, फिर ये सारा का सारा ख़राब हो जाएगा अगर टक लग जाएगा। तो इस तरह करके हम बारी बारी सारे छील लेंगे। बस इसी तरह करके तो सारे के सारे कर लेंगे। ज़रा थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अच्छी चीज़ बन जाएगी बाद में। मेहनत तो करना पड़ती है किसी काम के लिए, फिर जब बन जाती है तो फिर उसका तो कुछ मज़ा ही और होता है। बस इसी तरह हम सारे के सारे कर लेंगे। हमारे लीमू छिले जा चुके हैं। तो मैंने तो हाथ के साथ किया, लेकिन आप अगर चाहे तो छुरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको टक नहीं लगना चाहिए।
तो ये हमारे मुकम्मल हो गया था। अब हमने आग जला ली है और चूल्हे पे पानी रखते हैं तकरीबन 1.5 किलो के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पानी गर्म हो चुका है, हम अब इसके अंदर लेमन डालते हैं और इसको 5 मिनट के लिए उबालेंगे, फिर हम बाहर निकाल लेंगे। एक दो उबाल आने देंगे इसको। ये देखिए इसको उबाल आ गया, तो 2-3 मिनट तक और रखेंगे, फिर इसको नीचे रख के निचोड़ लेंगे। बॉयल हो चुके हैं, अब हम इसको नाज़रीन ये देखें, ये 1 किलो हम इसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं और 3 पाव मिश्री सोई। जब इसकी तार छूट जाए तो फिर ये बन जाती है। अभी हम 3-4 मिनट तक और इसको हिलाएंगे, फिर इंशाल्लाह तैयार हो जाती है। फिर हम इसके अंदर लेमन ऐड करेंगे। हम अब इसमें लेमन ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। आप ब्राउन होने तक हम इसको हिलाएंगे नाज़रीन, ब्राउन होने तक हम इसको हिलाते रहेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो नीचे उतार लेंगे। देखिए हमारी चटनी तैयार हो चुकी है नादरी, ये देखे ये मरब्बा बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम उतार लेते हैं और डिब्बे के अंदर डालते हैं। अगर आपको पसंद आए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।